हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते प्रणाम सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जय मसीह की राम राम जी जय माता की। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्यू एंड ए के बारे में, कि लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या वो कमेंट कर रहे हैं, क्या मेरे पास मैसेज कर रहे हैं। जो मेन मेन कमेंट है, जो मेन मेन जो जो बात कमेंट में आई है, जो लाखों आदमियों का करोड़ों आदमियों का फायदा कर सकती है, वो कमेंट मैं इसमें से उठा रहा हूं। सबसे पहले तो ये है जी अनंता राय, ये मेरा वीडियो डेली देखते हैं, जितनी वीडियो मेरी डलती हैं, हर रोज 3 वीडियो डलती हैं कम से कम, ये सारी देखते हैं। सर नमस्कार, आपका बत लखों में आपकी बात, ये एक्चुअली साउथ के हैं तो ये हिंदी अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, तो मुझे भी इनमें पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आपकी बात लाखों में एक है, आपका न्यूज के लिए वेट करता हूं हमेशा, थैंक यू सो मच। ये हैं जी आकाश जी, 3 महीने बाउंस हुआ था मेरा EMI, अब मुझे खुद ही ऑफर आ गया है फुलट्रॉन इंडिया से, कॉल आया है मोरेटोरियम मिल रहा है मुझे 6 महीने या लोन रिस्ट्रक्चर। तो आज मैंने इस विषय पे एक वीडियो बना दी है कि किस तरह से आपके लोन रिस्ट्रक्चर या मोरेटोरियम मिलेगा, बैंक या NBFC कंपनी देंगे, नहीं तो करोड़ों आदमी जेल में जाएंगे, करोड़ों आदमियों के जेल कहां से ये लेके आएंगे। वो जो मैंने उस वीडियो में बोला वो यहां सो रहा है, आप इस वीडियो पे देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से बिना ऑर्डर आए मोरेटोरियम मिल सकता है। इस नाम से मेरी जो वीडियो है उसमें एक कमेंट आया है वो आकाश जी का, इनके 3 महीने की किस्त बाउंस हुई थी फुलट्रॉन कंपनी में, फुलट्रॉन इंडिया से इन्होंने लोन लिया था। अब क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है तो वो इनका लोन रिस्ट्रक्चर और मोरेटोरियम करने के लिए खुद से फोन करके अलाउड कर रहे हैं। तो आप भी कोई मानसिक परेशानी ना लीजिए, आपको भी साथ भी अगर आपके पास पैसा नहीं है, आज की डेट में ऐसी सिचुएशन है कि रसोई चलाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो इनको कहां से पैसा देंगे आप किसी भी बैंक के NBFC कंपनी को। यह भी बैक फुट पे आएंगे, पेशेंस रखे, जैसे इनका मैसेज पढ़ लेना आप इनका कमेंट, आपको समझ में आ जाएगा। यह जी महिंदर कापटे, ये भाई तो दिन ब दिन जवान होता जा रहा है। अरे भाई पर्सनैलिटी भी डिसेंट है, डिसेंट एडवाइस देते हैं तो पर्सनैलिटी तो डिसेंट रखनी पड़ेगी ना भैया, थैंक यू सो मच। ये आया जी हिंदुजा फाइनेंस, सीज माई CNG आइटो सेइंग दैट योर अकाउंट इज इन NPA, प्लीज सुजेक्ट। किस्त आपने ये नहीं लिखा कि किस्त आपकी कौन से महीने से रुकी हुई है, अगर आपकी किस्त 1 मार्च से भी पहले की रुकी हुई है तो फिर वो आपका वो ले सकते हैं, बट वो शांतिपूर्ण तरीके से ले सकते हैं, आपके साथ छीना झपटी नहीं कर सकते। उन्होंने वैसे छीना झपटी करी होगी क्योंकि ज्यादातर ये चोरनी छाप रिकवरी एजेंट यही करते हैं, उनको आपसे एक डॉक्यूमेंट्स पे साइन भी करवाने होते हैं कि आपने अपनी सहमति से उनको ये अपना वाहन दिया है, पर ज्यादातर ये साइन करवाते नहीं है। और चोरनी छाप रिकवरी एजेंट मेरे देखने में आया है, बहुत से रिकवरी एजेंट आपके नाम के साइन अपने आप ही मार लेते हैं, वो 1-2 महीने देखते हैं इसकी यार 3-व्हीलर तो घुस गया तो कुछ बोल नहीं रहा, ना ये कुछ कर पाएगा, ना इसको कानून का ज्ञान है, उसके साइन अपने आप ही मार के कंपनी के पास यार्ड में जमा करवा देते हैं और लिख के भेज देते हैं कि भाई इससे किस्त नहीं दी जा रही थी इस आदमी से, इसने तो अपने आप से अपना वाहन मुझे सरेंडर कर दिया मेरी कंपनी। ये आया जी अगला लक्की का, 7 महीने से क्रेडिट कार्ड के 2 लाख रुपए पेंडिंग थे, 97,000 रुपए इन्होंने इंटरेस्ट लगा दिया विद GST, आई ओनली रिसीव्ड 325 रुपए। मतलब 7 महीने से इनका लोन पेंडिंग था क्रेडिट कार्ड का, इन्होंने यूज किए हुए थे 2 लाख रुपए, उसके ऊपर ये नहीं लिखा इन्होंने कौन से बैंक या NBFC कंपनी के से था, 97,000 रुपए इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया विद GST और इसको 325 रुपए रिफंड किए हैं।
बहुत बहुत मुबारक हो आपको 325 रुपए के लिए। अगला सवाल देखते हैं कितने करोड़ रुपए के लिए है। डिसेंट एडवाइज सर, कार्ड लिमिट 78,000 है, अब वो बोलते हैं कि पे करो 92,000, 78,000 के 92,000 हो गए हैं, घर चलना मुश्किल है और दूसरे कार्ड भी ड्यू हैं एंड पर्सनल लोन भी पे करना है, तो हमें 18 नवंबर तक वेट करनी चाहिए कोई गुड न्यूज़ की, या रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करना चाहिए। आपको रिस्ट्रक्चर के लिए अभी अप्लाई करना चाहिए, आपको 18 नवंबर की वेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से मोरेटोरियम आगे बढ़ेगा, और क्योंकि रिजर्व बैंक दोबारा से अरदास कर रहा है, अपनी एक एप्लीकेशन लगा रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि एनपीए करने की छूट दे दी जाए बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों को, तो फिर ये आपके ऊपर केस करेंगे, उससे पहले ही आप रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर दीजिए। एक आया जी पुष्पेंद्र सिंह, सर मैंने 17 मार्च को 2,00,000 रुपए का सीएम रोजगार योजना के डीआईसी के माध्यम से अंतर्गत लिया था लोन, जिसमें मुझे 60,000 रुपए सब्सिडी आनी थी, मैंने लोन कंप्यूटर सेंटर के लिए लिया था, उसके 15 दिन बाद ही लॉकडाउन हो गया, मैंने एक टीचर भी रखा 12,000 रुपए पर मंथ पे, मैंने अपने पास से 3 महीने की उसकी आधी सैलरी भी दी और काफी और बाकी खर्च रहा अलग। अब आप सभी जानते हैं कि कोचिंग स्कूल का काम ठप पड़ा है, सर आप ही बताओ मैं ईएमआई कहां से दूं, बैंक वाले कहां मानने को तैयार है, सर मेरी कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी हुई है, ना ही कोई चेक दिया है, मुझे क्या करना चाहिए सर प्लीज रिप्लाई। तो आपको इसमें क्या करना चाहिए, एक आपको इसमें 18 तारीख तक इस केस में आपको वेट करना चाहिए, अभी आपका लोन जो है वो एनपीए में नहीं गया है, क्योंकि 17 मार्च को तो आपने लोन ही लिया था और उसके बाद किसी का भी लोन एनपीए में नहीं गया। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।